वॉल्ट पे एक ई चेक पेमेंट एप्लीकेशन है जिससे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स को पे कर सकते हैं। वॉल्ट पे को आप चेक, NEFT या फिर IMPS के बदले में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमेशा नेट बैंकिंग में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्ट पे को आप अपने करेंट अकाउंट या फिर CC अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं, जो कि फ़ोन पे या गूगल पे में लिंक करना पॉसिबल नहीं है। वॉल्ट पे से आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव होता है, जिससे कि आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि वॉल्ट पे से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर को कैसे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार किसी को पे कर रहे हो तो आपको बैंक अकाउंट से पे करना है। इसमें आपको बैंक अकाउंट के डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम एंड उनका व्हाट्सएप नंबर एंटर करना है। पेमेंट करते समय आपको जिस डेट पे ई चेक पेमेंट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो इसको अगले दिन भी पे कर सकते हो या फिर 15 से 20 दिन बाद भी पे कर सकते हो, आपके हिसाब से। जो डेट आप सिलेक्ट करते हैं उसी डेट को आपके अकाउंट से पैसे कट के आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। पेमेंट करते समय आप नोट में बिल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको पिन डाल के आपका पेमेंट साइन करना है। साइन करने के तुरंत बाद आपके डिस्ट्रीब्यूटर को व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा कि आपने इस दिन को इतना पेमेंट कर दिया है। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि साइन करते टाइम आपके अकाउंट से पैसे नहीं कट होते। जिस डेट पे आपने सिलेक्ट किया है उसी दिन आपके अकाउंट से डेबिट होता है एंड उसी दिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट होता है। एंड पेमेंट से एक दिन पहले आपको SMS रिमाइंडर भी आता है। एक बार आपने पेमेंट साइन कर दिया तो ये अपकमिंग पेमेंट में आप देख सकते हो। नेक्स्ट, जिस दिन आपने पेमेंट किया है उस दिन पेमेंट क्लियर हो जाएगा तो आप ये हिस्ट्री सेक्शन में देख सकते हो। अगर पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो आपको सक्सेस दिखेगा, अगर पेमेंट बाउंस होता है तो आपको फेल दिखेगा। अगर आप सेकेंड टाइम किसी को पे कर रहे हो तो आपको फिर से बैंक अकाउंट में पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल नंबर से पे कर सकते हो। मोबाइल नंबर से पे करने के लिए आप नंबर से सर्च कर सकते हो, नहीं तो रीसेंट कॉन्टैक्ट से सिलेक्ट करके पे कर सकते हो।